नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करती है। देखो, पिछले वीडियो में बताया था कि 16:8 फास्टिंग होती है, जिसमें 16 घंटे कुछ नहीं खाओगे और 8 घंटे के अंदर अपना खाना खाओगे, जितना भी खाना है। ठीक है, तो अब हम इसी उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि मैंने पहले थोड़ा डिटेल में बताया, पर अभी अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो 9 बजे से 5 बजे के बीच में तुम खाना खाओगे, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में, और शाम के 5 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह के 9 बजे तक तुम कुछ नहीं खाओगे, मतलब रात को कुछ नहीं खाओगे, रात्रि भोजन का त्याग हो गया। तो सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक तुमने अपना पहला खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया समझ लो, फिर 9:30 के बाद 3 घंटे बाद तुम्हें फिर भूख लगती है। मान लो 12:30 से 1 के बीच में तुमने अपना खाना खा लिया, फिर तुम्हें 3:30 घंटे बाद फिर भूख लगी, 4:30 से 5 के बीच में तुमने खाना खा लिया। ठीक है, इन खानों के लिए एक बात बता दूँ कि भूख लगे तभी खाना है, और भूख से हल्का कम खाने में ही सार है। ठीक है, सेहत का सार यही है। अब 5 बजे तुमने अपना आखिरी खाना खा लिया। अब क्या है, 5 बजे तुमने अपना आखिरी खाना खाया, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद में हमारा खाना पचता है, पचता तो हमारे वो खाना पच करके हमारा ब्लड शुगर बढ़ती है थोड़ी, मतलब एक हेल्दी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोई डायबिटीज वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये सबके साथ होता है, थोड़ी ब्लड शुगर बढ़ती है हमारी, और करीब 2 घंटे में हमारा शरीर एक हेल्दी आदमी का, सेहतमंद आदमी का शरीर उसे वापस कम कर देता है। तो जब वो कम नहीं कर पाता तो उसे डायबिटीज होने लग सकती है ऐसे, तो पर अभी ये मुश्किल नहीं है। तो समझ लो 5 बजे से 7 बजे के बीच में हमारी ब्लड शुगर बढ़ी और फिर वापस नॉर्मल की तरफ आने लगती, नॉर्मल है। अब 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे के आसपास तुम्हें वापस से थोड़ी सी भूख लगने लगी। ठीक है, 4 घंटे हो गए थे तुम्हें खाना खाया, तो जैसे 7 बजे तक तुम्हारा खाना पचा। ठीक है, और आगे वैसे तो खाना पचने में देखो क्या है, काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 10 घंटे पहले तुम्हारे पेट में जाएगा, फिर तुम्हारी छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, मतलब स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पूरा आंतों से पार होकर के उसमें जो उसका मल है वो बाहर निकलने तक में तो 10 घंटे से भी ऊपर लग जाएंगे, काफ़ी घंटे लगते हैं। पर हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब हमने खाना खाया उसके बाद जब हमारे शरीर ने वापस हमें भूख लगाई, 4 घंटे 5 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे बाद जब हमें वापस भूख लगाई लगभग, तब हमारा शरीर वापस कुछ खाना बचाने के लिए तैयार हो गया था। तो कैसे, एक बार के लिए ऐसे मान लेते हैं कि उस खाने को जो पहले हमने खाना खाया उसे बचाने का जो लगभग काम है हमारे शरीर ने एक बार के लिए कर लिया, काफी हद तक, पूरा नहीं था काफी हद तक। तो जब समझ लो खाना खाया 5 बजे हमने, उसके बाद में 3-4-5 घंटे के आसपास हमारी समझ लेते हैं कि जब हम वापस भूख लगती लगे उसके आसपास हमारी फास्टिंग विंडो चालू होती है। फास्टिंग विंडो मतलब हमारा ब्लड शुगर वापस नीचे आ गई, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई, अब हम और कुछ नहीं खा रहे, अब हमारे शरीर को एक तरीके से फास्ट में डाल दिया हमने, कुछ नहीं खिला रहा हमसे। ठीक है, यहाँ पे हमारी फास्टिंग विंडो चालू होती है। ठीक है, फास्टिंग विंडो खत्म कब होती है, जब आप कुछ खा लोगे वापस, कुछ खा लोगे मतलब कुछ भी खा लूंगा, मतलब मैं एक इतना सा इतनी सी चीज़ खा लूंगा तब भी। देखो ऐसा है कि फास्टिंग विंडो खत्म होती है भी मानी गई है विज्ञान के हिसाब से, जब तुम कोई कैलोरी डेंस चीज़ खा लो। कैलोरी डेंस फूड क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया, पर जिनमें बहुत कैलोरी होती है, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, तेल, घी ऐसे, या फिर जिनसे बहुत इंसुलिन बढ़ता है आपके शरीर में, मतलब ब्लड शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगा, तो जो अभी शुगर लेवल को ज़्यादा बढ़ाते हैं वैसे खाने की चीज़ें आप खा लेते हो तो। पर मैं ये कहूँगा कि इस चक्कर में मत पड़ना, कुछ भी मत खाओ तो ठीक रहेगा, पर शुरुआत में लगातार 16 घंटे भूखा रहना मुश्किल होता है। पहले 12 घंटे शुरू करो, फिर 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ, मतलब 1 हफ्ते 12 घंटे पे करा, 10 दिन 12 घंटे पे करा, फिर 1 घंटा, आधा 1 घंटा बढ़ाया, फिर 10-15 दिन 13 घंटे पे करा, फिर 10-15 दिन 14 घंटे पे, ऐसे करते करते महीने भर में, महीने सवा महीने डेढ़ महीने में 16 घंटे पे आ जाओ। प्रैक्टिस करो, बीच में कुछ खाने के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा मत खाओ, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ से तुम्हारा फास्टिंग विंडो खत्म हो गई क्या नहीं किया। और वैसे भी जब तुम अपने शरीर को उन 16 घंटे आराम दे रहे हो तो आराम दो ना, बीच में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, ये मैं कहूँगा। ठीक है, अपनी निजी तौर पर मेरी राय। अब जब तुम्हारी यहाँ पे फास्टिंग विंडो चालू हुई, जैसे मान लो 9 बजे के आसपास तुम्हारी फास्टिंग विंडो चालू हो गई, तुमने शाम को 5 बजे खाना खाया था मान लेते हैं, तो जब तुम्हारी फास्टिंग विंडो चालू हुई तो अब क्या आएगा कि तुम्हारे शरीर को खाना नहीं मिल रहा, पर ऊर्जा तो फिर भी तुम्हारा शरीर खर्च कर रहा है, तुम सांस ले रहे हो, उसमें जा रही है, दिल धड़क रहा है, खून तुम्हारा दिल पूरे शरीर में डाल रहा है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है तुम्हारी बॉडी,
तो इन सब में तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही है, भले तुम बिस्तर पे भी पड़े हो, और अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, इधर उधर आ रहे जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है, तो कहाँ से निकल रही है ये तुम्हारे? अब इसके लिए तुम्हारा शरीर है, तुम फैट बर्न करने लग जाएगा, तुम्हारा फैट जो है, चर्बी जो है, उसे खर्च करने लग जाएगा। उससे वो क्या करेगा, उससे ग्लूकोज बनाएगा, उस ग्लूकोज से तुम ये सब काम कर पाओगे, और तुम्हारे ब्लड शुगर जो कि नीचे जा रही थी उसे मेंटेन करके रखेगा। ऐसा नहीं एकदम बढ़ा देगा, पर मेंटेन करके रखेगा, फैट बर्न करके। यहाँ पे तुम्हारा फैट बर्न होता है, ठीक है। फिर तुम्हारे शरीर को क्या, तुम्हारे शरीर को तुम बार बार खाना देते जाते तो वो पचाने में व्यस्त रहता, अब उसको थोड़ा आराम मिला है, ठीक है। तो वो जब खाली है तो वो क्या करेगा, अपने आप को वो अपना शुद्धिकरण करने लगेगा, अपने आप को प्योरीफाई करने लगेगा, अपने अंदर की गंदगी को इकट्ठा करके उसे बाहर निकालने के लिए निकालने की कोशिश करेगा, गंदगी इकट्ठा करेगा, बाहर निकालेगा गंदगी को। जो तुम्हारे ऑर्गन है, जो तुम्हारा पाचन क्रिया है, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आराम मिलेगा, इन्हें आराम मिलेगा, तो ये धीरे 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 इनकी एक समझ लो एक रिकवरी होगी, आगे आने वाले के जो भविष्य है जिसमें इनको वापस से काम करना है, उसके लिए खुद को तैयार करेंगे। जैसे मान लो आज तुम 500 मीटर दौड़ कर गए, फिर तुम आओगे, फिर कल तुम फिर 500 मीटर दौड़ोगे, तो वो जो आज से कल के बीच के 24 घंटे उसमें तुम्हारा शरीर वापस तैयार हो गया ना फिर से 500 मीटर दौड़ने के लिए, तो वैसे ये ऑर्गन और जो तुम्हारी पाचन क्रिया, इसको आराम मिल रहा है, धीरे 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 वापस से आराम मिलेगा, तो ये तैयार होगी आगे भविष्य में जैसे जो काम करना उसके लिए, ठीक है। फिर बात आती है, जब तुम अपने शरीर को कुछ खाना नहीं देते ना, तो तुम्हारे शरीर पे एक स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। ये अच्छा स्ट्रेस है, मतलब ये अच्छी चीज है। स्ट्रेस पड़ता है तो तुम्हारे शरीर में एक ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे कभी, पर ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन होता है जो कि तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तुम्हारे शरीर में चर्बी खर्च भी करता है और साथ साथ मसल बढ़ाने का काम भी करता है, मतलब तुम्हारे शरीर में फैट भी बर्न करेगा और साथ साथ मसल बढ़ाने का काम भी करेगा। इसके लिए, इसके कारण ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, जब हम अपने आपको खाने पे रोक लगाते हैं कुछ समय के लिए, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर पे स्ट्रेस पड़ रहा है, हमारे शरीर को खाना नहीं मिल रहा, तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, तो हमारा शरीर चर्बी भी खर्च करता है और मसल भी बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी चीज है, समझे। इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक फायदा भी बताया मैंने तुम्हें, और वही ये तो मैंने तुम्हें बताया कि जब पूरे दिन में तुम 16 घंटे खा रहे हो, 8 घंटे नहीं खा रहे हो, जो उपवास करते हैं जो मैंने बताया जिसमें हम पूरे दिन में कुछ नहीं खाते, उसमें भी ऐसी सब कुछ होगा, उसमें बस फास्टिंग विंडो हमारी समझ लो शुरू से फास्टिंग विंडो ही है। आगे आने वाली वीडियोज में इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो भी फायदे उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत जरूरी चीज है हमारी जिंदगी के लिए, तो इसके बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ पूरा ढंग से जरूर देखना। मैं तुमसे अगली वीडियो मिलूंगा, नमस्कार।